भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली मध्य प्रदेश की जनता के लिए हमेशा जन सेवा के माध्यम से अपनी बात रखने वाली एवं कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती समारोह के अवसर पर पूरे सिंधिया परिवार ने अम्मा महाराज की छतरी पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली से विशेष विमान से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह करीब 8:30 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट आए, जिसके बाद वो सीधे अम्मा महाराज की छतरी पहुंचे। उनके साथ उनकी माँ माधवी राजे, पत्नी प्रियदर्शनी राजे, बेटा आर्यवन सिंधिया भी आए। सबसे पहले सिंधिया परिवार का मुखिया होने के नाते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने परिवार के साथ राजमाता की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की। और प्रतिमा की परिक्रमा लगाई। जिसके बाद सिंधिया ने अपने परिवार के साथ राजमाता विजय राजे सिंधिया को पुष्प माला अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की। अम्मा महाराज की छतरी पर सभी धर्म के गुरु एवं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, ग्वालियर सांसद विवेक चेजवलकर, पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह, मंत्री तुलसी सिलावट सहित कई वरिष्ठ नेता एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर छतरी प्रांगण में भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कई प्रख्यात संगीतकारों ने अपने अपने भजनों से राजमाता विजय राजे सिंधिया की स्मृति में प्रस्तुतियां दी। Oh,
बात को जान मलिया चल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली राम सरस को नाही राम सरस को नाही ऐसो को दार जग माही ऐसो को दार जग माही आज सिंधिया परिवार की सबसे आधारशिला जिन्हें हम कहते हैं राजमाता विजयराज सिंधिया, जिनका जीवन हमेशा जनता के प्रति समर्पित रहा और आज सिंधिया परिवार की उपस्थिति में उनका 102वां जन्मदिन यहां आयोजित किया गया। तो राजमाता साहब के लिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि एक सांप्रदायिक सद्भावना की वो प्रतीक रही और राजसी वैभवों में भले ही वो उनका रहन सहन रहा हो, लेकिन उनकी जीवन शैली आम जन से जुड़ी थी और इस अंचल के लिए उन्होंने इतना काम किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो महिलाओं का क्षेत्र हो। और उनका जीवन और एक राजनीतिक रूप से देखें तो इतना कष्टप्रद रहा है कि उसका बयान करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति को इधर उधर नहीं बटने दिया और इस अंचल के विकास के लिए और एक नई दिशा इस ग्वालियर को, जितना भी उनका जीवन रहा, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र रहा हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र रहा हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र रहा हो, इस अंचल को उन्होंने सर्वोपरि अपने सेवा के माध्यम से हमेशा माना और उन्होंने वो कार्य किया। तो आज मैं उनको शत-शत नमन करता हूँ और आज असंख्य लोग यहाँ पर जो उपस्थित थे उनका भी आभार व्यक्त। मैं समझता हूँ काफ़ी 5-6 मंत्री यहाँ उपस्थित थे, तुलसी सिलावट जी थे, राय खेड़ा जी थे और नरोत्तम मिश्रा जी थे और हमारे महगांव के भदौरिया जी, सभी काफ़ी मंत्री। देखिए वो एक परंपरा है यहाँ, जो धर्म गुरु हैं चारों धर्म के, सिंधिया परिवार हमेशा उनको अपने से ऊंचे स्थान पर मानता रहा है और उनका सम्मान हर कार्यक्रम में इसी प्रकार होता है। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।